बात अब करते हैं महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़े राजनीतिक खेल की। देखिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर तंज कस रहे थे, उनके विधायकों के दल बदलने की वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई थी और ठीक उसी वक्त बिहार में उनकी सियासी जमीन खिसक रही थी। उनके लगभग पूरी पार्टी बिहार में साफ हो गई। 5 में से 4 विधायकों ने लालू यादव की आरजेडी का हाथ थाम लिया। इस उलटफेर के बाद विधानसभा में आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो सवाल यह उठता है कि क्या यह उलटफेर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है? कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में घूम घूम कर अपना एजेंडा चलाते रह गए और बिहार में उनकी सियासी जमीन चुपके से खिसक गई। तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर में दिख रहे ये वो माननीय विधायक हैं जिन्होंने ओवैसी का हाथ एक झटके में छोड़ दिया और लालू यादव के खेमे में शामिल हो गए। यानी आरजेडी उनका नया ठिकाना है, लालू उनके नए नेता हैं। खेमा बदलने वाले विधायकों में जोकीहाट से विधायक शाहनवाज, बहादुरगंज से विधायक अंजार नईमी, कोचा धामन से विधायक इजहार असफी और बाईजी से विधायक रुकनुद्दीन शामिल हैं। सर विधवत आपने आज विधवत आप लोग दे दिए विधानसभा स्पीकर को लिख के? हाँ, स्पीकर साहब को लिख के दे दिए, सदैव उपस्थित होंगे। यानी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के 5 में से 4 सिपह सालारों ने रातों रात नेता बदल लिया, पार्टी बदल ली। ओवैसी की जगह एमवाई गणित में माहिर लालू यादव अब उनके नेता हो गए। दिलचस्प ये है कि सबकी खबर रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी को इस बगावत की कानो कान खबर तक नहीं लगी। वो भोपाल में केंद्र सरकार को कोस रहे थे, कांग्रेस को जड़ से खत्म करने के लिए ताल ठोक रहे थे। विडंबना देखिए, दूसरों की जमीन खिसकाते खिसकाते खुद उनकी अपनी ही पार्टी बिहार में साफ हो गई। यहाँ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में और कांग्रेस की ये नाकामी है, उनकी ये इनकेपेबिलिटी है कि उनके 20 विधायक भाजपा में चले गए और सत्ता भाजपा के पास दोबारा आ गई। तो आज उत्तर मध्य प्रदेश में जनता में एक गुस्सा भी है और कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हाथों से सत्ता फिसल गई थी। सीमांचल में ओवैसी का जादू न चलता तो मुमकिन था कि तेजस्वी के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजता, लेकिन आरजेडी का पूरा सपना ओवैसी के आंधी में उड़ गया और अब 2 साल बाद हवा का रुख बदला। ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को लालू यादव ने तोड़ लिया। ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इसे बल मिला और ये समय का मांग था और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया, आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 3रे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया, ये क्या है? अब सवाल उठता है कि खेमा बदलने वाली सियासत का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा का गणित समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, बहुमत का आंकड़ा 122 है। एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू के पास 45, बीजेपी के पास 77 और हम पार्टी के 4 विधायक हैं। इनको मिला लें तो एनडीए के पास कुल 127 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के 80 प्लस कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायकों की ताकत मिला लें तो आंकड़ा 116 तक पहुंच जाता है। यानी एनडीए बहुमत से 5 ज्यादा है और महागठबंधन बहुमत से 6 कम। डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उद्योग लगने का काम हो रहा है, नौजवानों को रोजगार देने का काम हो रहा है। आरजेडी अपने दल में 4 लोग जोड़कर ज्यादा इतराने का काम न करे, सरकार तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की ही रहेगी।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता से चूक गई आरजेडी ने एआईएमआईएम के ऊपर बड़ा ऑपरेशन करते हुए उनके 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया है और साथ ही आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ जो एमआईएम कांग्रेस को खत्म करने की बात कह रही थी, वो एमआईएम अब खुद बिहार में खत्म होती दिख रही है। असल खेल ये है कि नीतीश कुमार बहुमत की बारीक रेखा से बहुत दूर खड़े नहीं दिख रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के महागठबंधन की बहुमत से दूरी सिर्फ 6 सीट की है। समझदार के लिए इशारा काफी है, यानी बिहार के सियासी खेल पर पैनी नजर रखिए तो खेल दिलचस्प मोड़ पर है। पटना से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।